एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्जेब्रिक फार्मूलाज। ये फार्मूले ऐसे हैं जो पूरी मैथ है इन्हीं पर डिपेंड है, इनके बिना मैथ अधूरा अधूरा सा है। तो ये फार्मूले लगभग सभी क्लासों के लिए है, क्लासेज छोटी क्लास हो चाहे बड़ी क्लास हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो वही हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। पहला दिया गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला तो लगभग सभी को पता होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है। या एक इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों सेम ही है। ऐसे दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहीं पर हो जाता है माइनस टू ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर माइनस टू ए बी हो जाता है। इसे भी इसी तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस टू ए बी पहले लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला। ऐसे तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बहुत यूज होता है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? देखिए ए प्लस बी इंटू इंटू मतलब गुणा ए माइनस बी, मतलब यहाँ पे ए जितना रहेगा एक बार प्लस बी मतलब बी के साथ एक बार जोड़ देंगे, इंटू में एक बार घटा देंगे, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे ये वाला है, ये देखिए क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों पहले इसे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे आपको कैसे होगा। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होगा। या माइनस टू बी, यहाँ पर माइनस टू ए बी होगा। दूसरा ये ऐसे लिखेंगे ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करेंगे तब यहाँ प्लस टू ए बी होगा। कैसे? जैसे देखिए हमारे पास अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा ना, उसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये था। अगर हम इतने की वैल्यू निकालें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो टू ए बी प्लस में इसे दूसरी तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस टू ए बी, तो यही तो बचेगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये बचा। और अगर माइनस वाला रहेगा तो ये माइनस टू ए बी दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस टू ए बी हो जाएगा, ये हुआ। अब आ गया फॉर्मूला हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला, इसका मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ऐसे इसे एक और तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू में लिख सकते हैं ए प्लस बी। दोनों फॉर्मूले ये वाले सेम ही है, बट ज़्यादातर यूज में ये वाला आता है, ये ज़्यादा यूज नहीं। अगर क्वेश्चन में कहीं आ जाए तो इसे हम फार्मूला की जगह ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं, ज़्यादा यूज इस चीज़ का है। तो उसके बाद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला, इसमें केवल ये ए माइनस बी हो जाता है, बाकी अंदर वाला प्लस रहता है हर जगह, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ यहाँ पर प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस होगा, प्लस थ्री ए बी इंटू में लिख देंगे इधर ए माइनस बी। अगर आप इसे ए माइनस बी का होल क्यूब रखेंगे और थ्री ए बी का अंदर गुणा कर देंगे, सब कैंसिल होके केवल ये इतना बचेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इतना बचेगा। अब ये आ गए टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अगर हम इसे सॉल्व करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर रखेंगे ये वाला चीज़, और प्लस ये वाला रखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाला, तो टू ए बी कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दो बार बचेगा ये वाला टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हम,
आ गए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 4ab। ये अगर आप देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर रखेंगे ये वाला, उसमें से माइनस करें कितना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हम माइनस कर रहे हैं तो ये आगे वाला सबका चिन्ह बदल जाएगा। ये वाला यहाँ माइनस करेंगे, जो माइनस होगा वो प्लस होगा, जो प्लस हो जाएगा वो माइनस, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2ab और यहाँ भी प्लस 2ab, तो पूरा ऐड होगा तो आएगा 4ab ना। अब ऐसे चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, ये होता है ए प्लस बी इंटू में होता है ए माइनस बी, उसके बाद बिग ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है फार्मूला, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, फिर इंटू में बड़े ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है फार्मूला किसका, ए पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का। और यहीं अगर माइनस आ जाए, देखिए इन दोनों फार्मूला कोई डिफरेंस नहीं, क्यों प्लस माइनस है तो पूरा फार्मूला ही चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, सेम नहीं ये दोनों। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला। अभी हम प्रूफ करेंगे वाला, तो आपको बताएंगे कैसे हो, कैसे आए ये चीज़ फॉर्मूला, ये चीज़ ऐसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला देखिए, इसमें होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है फॉर्मूला। ऐसे इसमें अगर माइनस होएगा तब तो उससे कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर जैसे लिखा था, ए स्क्वायर लिख दीजिए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद देखिए ए और बी प्लस में, तो 2ab जब गुणा होगा तो ये प्लस 2ab ही रहेगा, उसके बाद प्लस 2bc, bc का गुणा होगा तो एक माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2bc, उसके बाद आता है 2ca, तो c के आगे माइनस है a प्लस है तो ये भी आ जाएगा माइनस 2ca, ये आ गया। ऐसे a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर जब लिखेंगे क्या आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए इसमें माइनस 2bc नहीं होगा, देखिए b और c दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 2bc, उसके बाद माइनस 2ca, ये हो गया फॉर्मूला। उसके बाद हमारा लास्ट फॉर्मूला बचा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसका मतलब होता है इस फॉर्मूले का, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a। 2a नहीं केवल a, माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये हो गया हमारा पूरे फॉर्मूले। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, वो सवाल है या फॉर्मूला दोनों है, उसे हम बताते हैं आपको, तो वो ये वाला है a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। ये होता है एक फॉर्मूला ही होता है और सवाल में भी कहीं कहीं आता है ये, तो देखिए ये कैसे किया जाता है। जैसे ए की पावर 8 हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए की पावर 4 पूरे का होल स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 और इतने पूरे का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ऐसे ही। जब देखिए अभी अभी हमने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब ये पूरा है ए की पावर 4 और प्लस ये बी के मतलब बी की पावर 4, ये पूरा है
ऐसे ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी लिख देंगे, ये चीज़ हम माइनस में लिख देंगे, ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर। अब देखिए प्लस वाले में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर ये इसे फिर ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, ए की पावर फोर वाले को ऐसे रहने दीजिए, ये एक इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, इसे हम बिग ब्रैकेट में बड़ा ऐसे कर देंगे। उसके बाद अब ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर, अब इसे फिर वही से चेंज कर देंगे, इसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखेंगे। फिर देखिए ये वाला फॉर्मूला हम चेंज कर देंगे, ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर, ये ऐसे ही रहेगा प्लस वाला, ये वाला भी वैसे रहेगा, बस ये इतना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में क्या लिख देते हैं हम ए माइनस बी, ये हो गया फॉर्मूला पूरा हमारा। देखिए अगर एक पावर एट रहेगा बी की पावर एट तो उसका फॉर्मूला ये इतना होता है, और अगर ए की पावर फोर और बी की पावर फोर ये वाला रहेगा उसका फॉर्मूला यहाँ से, जैसे कि अभी हमने बताया ये वाला, तो हो गया हमारा प्रूफ पूरा। तो दोस्तों ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसके बेसिस पे पूरे हम मैथमेटिक्स को करेंगे, जितने भी सवाल आएंगे सारे फॉर्मूले इसी पर बेस होंगे इसी के। तो चलिए हम अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।